हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर डायनेमिक्स से स्टार्ट किया था। सर्कुलर डायनेमिक्स के कंसेप्ट को डिटेल में समझा था, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले और उसके नेचर को समझा था, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। जैसे डेथ वेल का केस देखा था हमने, रोटर का प्रॉब्लम समझा था, सर्कुलर डिस्क पे एक ऑब्जेक्ट रख के उसके सर्कुलर डायनेमिक्स के कंसेप्ट को देखा था, और स्ट्रिंग से 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके उसको सर्कुलर पाथ में घुमा दिया था और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट किया था। एनएलएम के 15th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर डायनेमिक्स के कुछ अच्छे केसेस, जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड स्मूथ रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रफ रोड। ये सारे केस डिटेल में समझेंगे, कोनिकल पेंडुलम का भी केस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ लेवल रोड। लेवल मतलब प्लेन रोड, जैसा शहर का रास्ता होता है, एकदम सीधा, स्ट्रेट, फ्लैट, फ्लैट रोड। कभी साइकिल चलाया क्या आपने? बिल्कुल सर, चलाया है। तो मान लो साइकिल चलाते जा रहे हो, सामने कहीं टर्निंग आया, तो क्या ऐसा टर्निंग देखा है तुमने, एकदम शार्प टर्न, 90 डिग्री पे टर्न, ऐसा कहीं रोड बना होता है क्या? जनरली नहीं। रोड कैसा होता है? स्मूथ टर्न होता है। तो सबसे पहला केस तो हम ये समझेंगे कि शार्प टर्न क्यों नहीं होता, स्मूथ टर्न ही क्यों बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो तुम यहां पर साइकिल चला रहे हो, सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, जैसे ही टर्निंग आएगा घूमोगे, तो क्या सर्कुलर मोशन हो गया? नहीं, कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ, बट ये कर्व है जो पार्ट ऑफ सर्कल है। मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। अच्छा सर, सर्कुलर पाथ पे कुछ वी स्पीड से चल रहा होगा? बिल्कुल चलेगा। ये सर्कुलर पाथ को ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये सर्कुलर पाथ का ये पार्ट पे ऑब्जेक्ट घूमा था, जिसका रेडियस कुछ ये आर होगा, तो बाहर पे, बाहर की डायरेक्शन में इसी के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे। ग्राउंड से बनाओगे तो नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसी के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा MBA² / R, और रेडियस जितना छोटा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्मूथ टर्न बनाते हैं। स्मूथ टर्न बनाने से मान लो यहां से घूम रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, आर रेडियस यहां भी होगा, ये भी सर्कुलर पाथ पे टर्न लेगा, बट ये बड़े रेडियस के सर्कुलर पाथ पे टर्न लेगा। देखो अचानक से घुमा दोगे ना, यहां पे घुमा दोगे ना, देखो ये छोटे सर्कल पे घूम रहा है, ये बड़े सर्कल पे घूम रहा है, इसलिए शार्प टर्न नहीं कराते, क्योंकि शार्प टर्न कराने से जैसे ही कोई भी चीज टर्न लेगा, साइकिल, कार, बाइसाइकिल, कुछ भी, मोटरसाइकिल, बाहर की तरफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसलिए हम स्मूथ टर्न बनाते हैं, सबसे पहली बात। इससे क्या होगा, रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, तो क्या फोर्स नहीं लगेगा सेंटर से बाहर की तरफ? लगेगा, MBA² / R, लेकिन रेडियस डिनोमिनेटर में और रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू थोड़ा कम होगा। ठीक है सर, कम होगा। जनरली आप कहीं जा रहे हो साइकिल से, सामने टर्न आ गया, ईमानदारी से बताना, जब तुम टर्निंग पे घूमते हो तो बाहर की तरफ इतना फोर्स तुम पे लगता है, तो इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है? या आप टर्निंग पे जब होते हो तो ऑटोमेटिकली, आपको ध्यान नहीं होता, लेकिन एक काम करते हो, क्या करते हो याद करके बताओ। तो जैसे ही टर्निंग पे जाते हैं तो पैडलिंग बंद कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्पीड कम करते हैं। क्यों करते हैं स्पीड कम? तो देखो रेडियस पहले बड़ा कर लिया और स्पीड को कम कर लिया। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर है। स्पीड को कम करूंगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाहर की तरफ कम फोर्स लगेगा, है ना? तो स्किड करने की इंटेंशन या स्किड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन स्किड तो कर रहा है ना MBA² / R से? बिल्कुल कर रहा है। इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? ढूंढो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है। अच्छा एक काम करते, तुम साइकिल से जा रहे हो साहब, साइकिल से चले जा रहे हो, टर्निंग है सामने, बिल्कुल है सर। अब तुम्हारा, मैंने ये कंडीशन दे दिया कि स्पीड नहीं कम करना, तुम्हें स्पीड और बढ़ाते जाना है। मान लो कुत्ता छोड़ दिया मैंने तुम्हें पीछे, या तुम जिस गली से जा रहे हो उस गली के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, जैसे तुम उस गली से निकले, 4 लोग और आगे साइकिल से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं कि आज कूटेंगे, तो तुम रफ्तार में पैडलिंग करके भाग रहे हो। जैसे ही टर्निंग पे आओगे तुम्हारे पास स्पीड कम करने का ऑप्शन नहीं है। जब स्पीड कम करने का ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, ईमानदारी से सोच के बताओ। देखो मान लो ऐसा रास्ता है, मैं बचपन में जब 10th क्लास में था,
तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं बाइक लेके निकल पड़ा और बाइक चलाना भी सीख ही रहा था, तो मुझे क्लच गियर और ब्रेक का ज़्यादा पता था नहीं। मैं स्ट्रेट रोड पे जा रहा था, जैसे ही बहुत रफ्तार में जा रहा था, एक्सेलरेटर दबाए जा रहा था, एकदम स्पीड बढ़ता जा रहा है। सामने यहाँ पे टर्न है और इस तरफ रिवर फ्लो कर रहा है और बहुत बड़ा रिवर फ्लो कर रहा है, पानी ही पानी। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा मेरा हाथ कांपने लगा और एक रास्ता सीधा भी जा रहा था, ऐसा नहीं है रास्ता सीधा भी था, लेकिन मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे लगा कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो नदी में गिर जाऊंगा, और स्पीड कम करना साहब मुझे आता नहीं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार इधर चला जाता हूं, इधर तो लैंड है, सूखा जमीन, इधर लैंड, इधर तो रिवर था, तो मुझे लगा इधर जाऊंगा ना तो मैं नदी में गिर जाऊंगा, तो मैं बाइक को ऐसे घुमा दिया। जैसे ही मैंने बाइक को ऐसे घुमाया, मैं और इधर गड्ढा था थोड़ा सा, मैं इधर गिर पड़ा। यहां से बाइक को टर्न करा, यहां से बाइक अनबैलेंस होना शुरू हुआ और मैं इधर गिर गया। तो मैं इधर क्यों नहीं गिरा, बाहर क्यों गिरा? तो देखो, जैसे ही मैंने बाइक को इधर घुमाया तो एक पार्ट ऑफ सर्कल हो गया और मेरे रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा mv2/r, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मैं इस गड्ढे में गिर गया। और स्पीड ज्यादा था, तो आप जनरली क्या करते हो, स्पीड कम करने की कोशिश करते हो। अच्छा, एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया। जैसे देखो, यहां पे टर्निंग है, थोड़ा समझना बेटा, मजा आ जाएगा। यहां पे टर्निंग है, तो टर्निंग में मैं क्या कर रहा था कि इस कोने से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नदी से मुझे डर लग रहा था। अगर मैं इस कोने से निकलता तो सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा होता, ये वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता mv2/r में, रेडियस बड़ा होने से यह फोर्स कम होगा, तो बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, बाहर गिरने का जो फोर्स लग रहा है, जो इंटेंशन है, वो कम रहेगा। लेकिन मैं डर गया, मैं नदी के पास नहीं जाना चाहता था, मुझे पानी से डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं डूब के मर जाऊंगा, तो मैंने इस रास्ते से जाने की कोशिश करी और इस रास्ते से सर्कल का पार्ट ये हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ गया और इसलिए मैं जाके गड्ढे में गिर गया। ना तो देखो, मैंने दो गलती करी, ना तो मैं स्पीड कम करा, आता ही नहीं था, एक्सीलरेटर खींच के दबा दिया मैंने। स्पीड कम कर लेता तो शायद बच जाता, क्योंकि mv2/r स्पीड कम करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। और मैंने रेडियस कम कर दिया, और रेडियस जैसे ही मैंने कम किया, धराम से उधर पलटी मार के गिर गया। तो ध्यान रखना, अपन जब भी साइकिल चलाते हैं, बाइक चला रहे हो, तो अपन कोशिश करते हैं कि रोड के आउटर एज से जाए, ताकि टर्निंग पे रेडियस ज्यादा हो, और रेडियस जितना ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, ना तो तुम स्पीड कम कर पा रहे हो क्योंकि पीछे लोग पड़े तुम्हें कूटने के लिए, खींचते हुए रफ्तार से जा रहे हो, और दूसरा अगर तुम आउटर एज से निकलोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा उस चक्कर में क्या पता ये जो पीछे लोग आ रहे हो इधर से आके तुम यहाँ पकड़ ले, तो तुम चाहते हो इधर से शॉर्टकट मारना, इनर एज से जाना, और स्पीड भी कम नहीं करना चाहते हो, मतलब रेडियस कम रखना चाहते हो और वेलोसिटी ज़्यादा रखना चाहते हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करोगे? दूसरा, पहला एक सवाल था, दूसरा, तुमने साइकिल रेसिंग देखा है क्या? साइकिल रेसिंग में भी सर्कुलर टर्न होता है, और जो रेसिंग करने वाला है वो एकदम इनर एज से निकलता है। अरे भाई, आउटर एज से जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, इनर एज से निकलता है। जब वो साइकिल रेसिंग में एथलीट्स इनर एज से निकलता है, तो तुमने देखा होगा कि साइकिल के साथ क्या करता है, क्या करता है सर, कुछ करता है क्या, कैसे निकलता है, या तुम्हें ये नहीं पता सर, हमने साइकिल रेसिंग कभी नहीं देखा, तो खुद तो साइकिल चलाया है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें इनर एज से ही जाना है, बचना भी है, स्पीड भी बढ़ा के रखना है, तो बचोगे कैसे, बचने के लिए क्या करोगे, और कौन तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा? जैसे तुम यहाँ पे टर्न ले रहे हो, mg किधर, नीचे, नॉर्मल किधर, ऊपर, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में, mg को नॉर्मल बैलेंस कर रहा, और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इसको बैलेंस करेगा कौन? और फ्रिक्शन पे तुम भरोसा कर नहीं सकते, बारिश का टाइम है, मान ले फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन यहां पे है नहीं, स्मूथ रोड है, नॉर्मल ऊपर mg वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता, इसका इफेक्ट x में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे बताओ? एथलीट्स क्या करता है, तुम यहां पे क्या करोगे? टॉपिक का नाम क्या है? तीनों एक ही चीज है, बेंडिंग। तो तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट? क्योंकि आज से तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि साइकिल कैसे चलाते हैं टर्निंग पे।
जब भी तुम टर्निंग पे जाना तो साइकिल को बेंड कर लेना, किधर जिधर जा रहे हो ऐसे टर्निंग है उस तरफ बेंड कर लेना रामलाल, और उधर गिर जाओगे, अंदर की तरफ बेंड करना। क्यों अंदर की तरफ बेंड क्यों करें? देखो मान लो टर्निंग है ऐसा, मैं साइकिल चलाते चलाते जा रहा हूँ, थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर लूंगा साइकिल को। एथलीट्स को देखना टेढ़ा कर लेता है साइकिल को। साइकिल को टेढ़ा करने से क्या होगा? कॉन्टैक्ट थोड़ा टेढ़ा हुआ, नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर होगा जो एमजी को बैलेंस करेगा, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट अंदर लग के बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। देखना देखना ढंग से, मैं थोड़ा साइकिल को अंदर की तरफ टर्न करूंगा, मान लो नॉर्मल इधर लग रहा है। देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे टर्न कर लिया मैंने, एमजी किधर लगेगा? एमजी एज यूजुअल, तुम सीधा रहो, टेढ़ा रहो, मेरा रहो, कहीं से भी देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। तुम वर्टिकल से थीटा एंगल नीचे झुक गए तो एन का कंपोनेंट ऊपर होगा, एन कॉस थीटा, और एन का कंपोनेंट, ये एन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा, एन साइन थीटा। देखो प्लेन में मैं थ्री डी डायग्राम बना रहा हूं, तो समझने की कोशिश करो। ये रहा तुम्हारा साइकिल, तुमने ऐसे टेढ़ा किया, इस नॉर्मल का अंदर की तरफ कंपोनेंट एन साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल से थीटा एंगल लिया है, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा। वाई एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होगा, इसीलिए ऊपर वाला एन कॉस थीटा बराबर एम जी होगा। बताओ समझ आया? और अंदर की तरफ जो एन साइन थीटा है, एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स जीरो होगा, तो गिरना थोड़ी ना बे। और इसी के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना रहा हूं, साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, तभी बाहर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया है। तो बताओ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, क्लियर है? ओके सर, इक्वेशन नंबर टू मान लो इसको, इक्वेशन नंबर वन मान लो इसको, इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर दो वन से, तो साफ साफ देख रहे हो एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा आपका टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कटेगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे सर्कुलर टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देगा, आपको बता देगा, और बता देगा कि v वेलोसिटी से साइक्लिस्ट जा रहा है तो उसको कितने एंगल पे टर्न लेना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, या वो बता देता है कि साइक्लिस्ट ने 30 डिग्री से टर्न लिया तो कितने सेफ, कितने वेलोसिटी से उसको टर्निंग पे जाना चाहिए। तो यहां से देखिएगा, इस इक्वेशन को देखिएगा, तो v स्क्वायर लिख सकता हूं मैं rg tan थीटा। आपको सर्कुलर पाथ का, इस रास्ते का, है ना, इनर से जाओ या आउटर से जाओ, ये रास्ता इतना नैरो होता है, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, नैरो होगा, इसके रेडियस के कंपेयर में इसका विड्थ कम होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रास्ते का तुम्हें बता देगा। और ये बता दिया कि साइक्लिस्ट ने 30 डिग्री पे टर्न लिया, तो बताओ कितना स्पीड से वो जाएगा। तो स्पीड v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ये सेफ वेलोसिटी है। इससे ज्यादा से जाएगा तो क्या होगा? अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी रखने की कोशिश करेगा तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा इन साइन थीटा से और गिर जाएगा। क्या आपको बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का पूरा फील आया? क्या तुम्हें पता चला कि जब भी हम बेंडिंग पे जाते हैं, मतलब कहीं टर्निंग पे होते हैं, जहाँ पे रास्ता टर्न ले रहा होता है वहाँ पे हम स्पीड कम कर लेते हैं। क्यों कम कर लेते हैं? क्योंकि मुझे झुकना ना पड़े, या स्पीड ज़्यादा रखूँगा तो बेंड करना पड़ेगा, अगर बेंड होना नहीं चाहता हूँ मैं तो स्पीड कम रखूँगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहेगा। और आउटर एज से जाते हैं, देखना नेचुरली जब तुम जा रहे होगे ना तो कोशिश करते हैं बाहर से निकलने का, जितना ज़्यादा रेडियस रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। इनर एज से जा रहे हो, जैसे रेसिंग वगैरह में साइक्लिस्ट इनर एज से जाता है तो क्या करता है, बहुत तेज चला रहा होता है साइकिल और एकदम इनर एज से भी जाना है, मतलब आर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा, तो क्या करता है बेंड कर लेता है ताकि नॉर्मल का कंपोनेंट एम बी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर ले। बताओ 100% फील आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, स्मूथ रोड पे, फ्लैट रोड पे कार का मोशन, जो सिटी के इनसाइड मतलब शहर के अंदर जो हम रोड बनाते हैं वो एकदम फ्लैट होता है ना, सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना सिटी रोड, ठीक है। यहां पे कार को लेके जा रहे साहब, ये रही मेरी कार वी वेलोसिटी से, तो ये रास्ता तो स्ट्रेट है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं कार को ले जाके यहाँ पे टर्न लूँगा, क्या लूँगा साहब, टर्निंग पे जाऊँगा, ये रहा मेरी कार, स्पीड वी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड वी से टर्न हो जाओ। अरे ऐसे कैसे हो जाऊँ, जब मैं टर्न करूँगा तो पार्शियली सर्कुलर मोशन होगा, मतलब
यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली यहाँ से यहाँ तक के लिए, उसके बाद तो सीधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये रहा आर। उसी इंस्टेंट पे बाहर की तरफ यहाँ पे रामलाल को बिठा देता हूँ और रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीजी बनाऊंगा, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एमबी स्क्वायर बाय आर, स्पीड वी, कार का मास एम और रेडियस आर, तो एमबी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे। बहुत बढ़िया बनाया है यार सर आपने, नॉर्मल सीधा ऊपर कर दिया। नॉर्मल एग्जैक्टली ऊपर लगेगा क्या? बिल्कुल, ये साइकिल थोड़ी ना है कि टेढ़ा कर दोगे ऐसा। देखो बाइसिकल में क्या होता है, वो एक प्लेनर चीज है ना, तुम जा रहे हो उसको ऐसे टेढ़ा कर लिया है ना बाइसिकल को। अच्छा कार ले जा रहे हो, टर्निंग पे गए, बाहर की तरफ फोर्स लगा एम बी स्क्वायर बी आर, तो क्या इनर टायर्स के रिस्पेक्ट में कार को उठा दोगे क्या? कार को भी बेंड कर लोगे, टेढ़ा कर लोगे क्या? अरे रामलाल, तो सर कैसे बचेंगे? क्योंकि कार को टेढ़ा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पूरा नॉर्मल ऊपर रहेगा जो एम जी के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर एम बी एस का भी आर को बैलेंस कौन करेगा? तो सिटी रोड रफ है, ठीक है सर, तो जैसे ही बाहर स्किड करने की टेंडेंसी डेवलप होगा रोड के रिस्पेक्ट में कार बाहर की तरफ स्किड करने का टेंडेंसी डेवलप कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर इसमें स्कीडिंग टेंडेंसी डेवलप कर रहा है, तो टायर और रोड के बीच में कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक वाला और एम बी स्क्वायर के आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ आर स्टैटिक एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर स्पीड बढ़ाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, वो भी बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ाता हूँ और बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है, ये अपने औकात मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता जो कि म्यू एन के बराबर होता है। मान लो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने रख दिया एम भी मैक्स का होल स्क्वायर बटा, क्योंकि इतने वेलोसिटी पे इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ तक बैलेंस होगा, और ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन फ्रिक्शन जवाब दे देगा। तो अगर फ्रिक्शन जवाब दे देगा इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा मैं स्पीड नहीं रखूंगा, ठीक है सर। एन की वैल्यू बताइए क्या है? एम जी, एन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, म्यू एम जी बराबर एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर, एम से एम कटेगा तो वी मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम आर यहाँ आएगा म्यू आर जी, म्यू आर जी वेलोसिटी से मैं कार को उस सर्कुलर टर्न पे बेंड कर सकता हूँ, उस सर्कुलर टर्न पे घुमा सकता हूँ। अगर मैं इससे कम स्पीड रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी रूट अंडर म्यू आर जी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इसे ज़्यादा रखूंगा तो पक्की बात है मैं उलट जाऊँगा। क्लियर बात है? बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। यहाँ पे किसने बचाया आपको? फ्रिक्शन ने। साइकिल पे कौन बचाता है? साइकिल पे बचाता है सर साइकिल का बेंडिंग करना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि जब कार लेवल रोड पे टर्न होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर जो फोर्स होगा, यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने अप्लाई किया? फ्रिक्शन फोर्स ने, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप हाईवे पे जाते हो तो जनरली अचानक से हाईवे पे टर्न आ जाता है और आप स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हो, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लो तुम बहुत स्पीड से जा रहे हो टर्निंग आ गया, तो अचानक से स्पीड कम नहीं कर सकते, और मान लो वहाँ पे आपकी स्पीड इस मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी से ज़्यादा है तो आपको उलटना तय है। तो जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सर ध्यान रखेंगे तो क्या कर लेंगे, क्या करेंगे अभी बताता हूँ। अगर तुमने नोटिस किया होगा कभी हाईवे पे गए होगे तो जहाँ पे टर्निंग होता है ना रास्ते को थोड़ा टिल्टेड कर देते हैं, बैंक्ड बना देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। देखो यहाँ से जा रहे हो, थोड़ा सा देखो स्ट्रेट रास्ता है ये, टर्निंग पे थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, बैंक्ड कर देते हैं। अपर एज को देखो, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं ठीक से इसको फील दिला पाऊँ, थोड़ा सा उठा दिया ऊपर की तरफ। अगर आपकी आँख को मैं यहाँ रख दूँ तो तुम्हें ये जो रास्ता है ना ऐसा दिखेगा, देखना ये ऐसा दिखेगा उठा हुआ, ये है स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाने वाला लाइन, देखो ये उठा हुआ है थीटा एंगल से उठा हुआ। अगर यहां से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको,
यहाँ से देखोगे एग्जैक्टली तो कुछ थीटा एंगल पे ऐसा दिखाई देगा। ये इतने हाइट पे आउटर एज को एलिवेट कर दिया, एलिवेटेड है ये देखो एच। और मान लो ये है तुम्हारा विड्थ ऑफ द रोड, ये रोड की विड्थ यही है बी, और ये हाइट है, इतना ऊपर उठा दिया है। इतना ऊपर उठाने से क्या होता था, क्या हो जाएगा? तो जैसे आप साइकिल को बेंड करते थे, कार को तो बेंड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर, कार को कैसे बेंड कर देंगे, इसलिए रास्ता ही ऊपर से उठा दिया ताकि कार अपने आप बेंड होता हुआ दिखाई दे दे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, और बारिश का मौसम है, तो म्यू की वैल्यू बारिश के मौसम में ऐसे ही कम हो जाएगी, इसलिए मैंने स्मूथ ले लिया रोड, म्यू जीरो है और आप कार चलाए जा रहे हो। जैसे ही आपकी कार यहाँ पे टर्न होगा, देखो कार ऐसे होगा ना, देखो ऐसा कार है, ऐसा कार वी वेलोसिटी चल रहा है ना, ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूम के आएगा, अरे ऐसे ही चलेगा ना यार कार, तो देखो ये एज तुम्हें दिखाई देगा ऐसा। अरे भाई यहाँ से देख रहे हो रास्ता ये नहीं है, ऐसा नहीं कि इस पे चल रही है गाड़ी या इस पे चल रही है, ये रास्ते को आधे से काट दिया मैंने, यहाँ से काट दिया रास्ता को और तुम्हारी आँख यहाँ रख दी है, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरफ से वी वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पे जो टर्न है उसका रेडियस यार होगा, तो तुम्हें ऐसा टर्न दिखाई देगा, देख ये टर्न दिखाई देगा, इसका रेडियस देखो ये आर है, ठीक है। तो एम बी ए स्क्वायर बी आर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, एम बी ए स्क्वायर बी आर एग्जैक्टली यहाँ पे कार है तो सेंटर से बाहर की तरफ इधर लगेगा एम बी ए स्क्वायर बी आर, यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ ये होगा आपका एम बी ए स्क्वायर बाई आर। अब रास्ते को टिल्टेड करने से, टेढ़ा करने से, देखो सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से बाहर की तरफ तुम विजुलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। देखो जैसे रास्ता जा रहा है, देखना रास्ता जा रहा है, रास्ता जा रहा है, ऐसे उठा देते हैं बाहर से, रास्ते को थोड़ा एलिवेट कर देते हैं, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब बाहर से उठा दिया। अभी बाहर से उठा दिया यहाँ पे, तो सेंटर तो यहाँ है ना, देखो सेंटर तो यहाँ होगा ना, ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न होगा, कार ऐसे जा रही होगी, ऐसे टर्न होगी, तो सेंटर यहाँ पे आएगा, देखो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्जैक्टली सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा एम बी ए स्क्वायर बी आर। ओके सर, अब ध्यान से देखिएगा एम जी कहाँ पे लगेगा, एम जी, एम जी एग्जैक्टली नीचे, तो इस तरफ जो फोर्स आएगा इस तरफ वो आएगा एम जी साइन थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर होगा नॉर्मल, है ना, ये सरफेस इधर होगा ना नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल सा। रास्ता ऐसे होता तो नॉर्मल ऊपर होता, रास्ता टेढ़ा करते, देखो ना ये रास्ता है, ये फ्लैट रास्ता है, मैं तुम्हें तो फील करा देता हूँ, ये फ्लैट रास्ता है, और यहाँ पे कार रख दी, देखो कार, देखो अच्छे से देखो, ये कार सीधा चल रहा है, तो नॉर्मल गाँव का ऊपर, अब क्या होगा, बैंकिंग आया, टेढ़ा आया, तो उस रास्ते को ऐसे बना दिया, ऐसे चल रही है कार, ऐसे देखो ऐसे चल रही है कार, टेढ़ा कर दिया, तो नॉर्मल कहाँ होगा, इस तरफ इधर, क्लियर है, नॉर्मल इस तरफ होगा, ठीक है सर। तो एम बी ए स्क्वायर बी आर का एक कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, तो थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा एम बी ए स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एम बी ए स्क्वायर बाई आर सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और एम बी ए स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को बाहर की तरफ जो स्केडिंग करने की टेंडेंसी है उसको ये एम जी साइन थीटा बैलेंस कर लेगा, बिल्कुल नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा है अलॉन्ग टू द इंक्लाइन प्लेन, अरे इंक्लाइन प्लेन के उधर गिरेगा, पलटेगा नहीं तो इधर पलटेगा, ऐसे तो पलटेगा ना, तो बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बोलो, एम बी ए स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और अंदर बोलो एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा सर, कॉस थीटा को उधर ले जाओ, आर को भी इधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर जी टैन थीटा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी याद करो यही था, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो यहाँ पे कितने वेलोसिटी से चला जाएगा, रूट आर जी टैन थीटा, किसने बचाया यहाँ पे, रास्ते का बैंकिंग ने बचाया, क्योंकि सरफेस को तो अपन ने क्या मान लिया था, स्मूथ मान लिया था, क्लियर है क्या। तो इतने वेलोसिटी जाऊँगा तो मैं सुरक्षित निकल जाऊँगा, अगर इससे मैं वेलोसिटी ज़्यादा रखता हूँ तो एम बी ए स्क्वायर बी आर ज़्यादा होगा, तो इसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा, तो बाहर की तरफ स्किड कर जाऊँगा मैं, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, स्मूथ रोड माने हूँ। अच्छा अगर स्पीड कम रखता हूँ तो भी दिक्कत है, क्योंकि तुमने परफेक्टली स्मूथ मान लिया है, आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है म्यू जीरो हो जाए, लेकिन मान लिया है, चलो अगर मान लिया है तो इससे कम वेलोसिटी रखोगे तो नीचे गिर जाओगे, क्योंकि एम जी साइन थीटा आप तुम्हें नीचे खींच रही है, ये बैंकिंग रास्ता ऐसा है, देखो ये रास्ता है, ऐसे बैंक्ड किया तुमने और कार को ऐसे ले जा रहे हो, तो नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लगा है। अगर एम बी ए स्क्वायर बी आर कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा से कम हो गया तो एम जी साइन थीटा डोमिनेटिव हुआ, नीचे लुढ़क जाओगे, और ये ज़्यादा हो गया तो ऊपर स्किड कर जाओगे, तो एग्जैक्टली
ये वाला वैल्यू से बराबर होना चाहिए। इतने स्पीड से जाओगे आरजी टेन थीटा से तो बच जाओगे। कई बार यहाँ पे टेन थीटा को यहाँ से लिखते हैं, देखिएगा टेन थीटा को बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच बाई बी, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो कई बार क्या करते हैं कि वेलोसिटी बता देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देते हैं, जी बता देते हैं, और विड्थ भी रास्ते का बता देते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि आउटर एज को कितना ऊपर उठा दो, तो एच पूछ रहा है आपसे, आउटर एज का एलिवेशन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो इसके रिस्पेक्ट में आउटर एज को कितना ऊपर उठा दिया, एच हाइट ऊपर उठा दिया, तो ये भी पूछ लेते हैं। उसके लिए रास्ते का जो चौड़ाई है वो आपको दे देंगे। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके ये दोनों अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ बैंक रोड, रफ बैंक रोड पे कार का मोशन कैसा होगा। चलिए साहब देखते हैं, केस पिछला जैसा ही है, प्रीवियस केस जो था वही है, बट यहाँ पे स्मूथ के जगह पे फ्रिक्शन भी आएगा, रफनेस भी आएगा। चलिए देखिए, ये साहब आपकी कार है, ये कार लेके जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, एकदम रफ्तार में भगा रहे हैं क्योंकि हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर लेन रास्ता है, हाईवे है, भगा रहे, सामने टर्निंग आया, तो हाईवे के कंस्ट्रक्शन के टाइम ही आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। तो ये रहा आपका कार, ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, देखिए अब ऐसे जा रहे हैं, चलो इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आउटर एज को ऊपर से उठा दिया है, तो यहां से देखोगे तो रास्ता तुम्हें प्लेन दिखेगा और यहां से थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर रास्ता आधा से काट दूं और मैं तुम्हें यहां रख दूं तो तुम्हें दिखेगा कि ये इंक्लाइन प्लेन है। कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। और इंक्लाइन प्लेन का ये रहा, यहाँ पे जो टर्निंग है, सर्कुलर टर्न है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, तो इस डायरेक्शन में सेंटर से बाहर, इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्लाइन प्लेन का फील दिलाते हुए, ये जो प्लेन है उसको मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया। कार देखिए ऐसे टर्न ले रहा है ना, अब सेंटर यहाँ पे है देखिए, तो बाहर की तरफ एग्जैक्टली देखो ना भाई, यहाँ से सेंटर से इस डायरेक्शन में देखो ना, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, मैं इसको यहाँ पे ऐसा फील दिला रहा हूँ थ्री डायमेंशनल बना के, सेंटर से बाहर की तरफ, तो बाहर कहाँ है, अलॉन्ग टू द इंक्लाइन प्लेन की अबे सेंटर से, अबे देखो इधर, तो देखो सेंटर से अबे इधर, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम बी ए स्क्वायर भाई आर। अरे भाई ये देखो कैसा बना दूँ मैं, ये देखो ऐसा बना देता हूँ मैं, ये रास्ता है तुम्हारे लिए, ये रास्ता है, मान लो सीधा चल रहा था, सीधा चल रहा था, जैसे ही टर्निंग आएगा ऊपर उठा देगा, यहाँ से देखो ऐसे है ना, अब यहाँ पे सेंटर है, सर्कुलर टर्न, ऐसे कार घूम रही है, तो यहाँ से आप देख रहे हो तो रास्ता एलिवेटेड है, देखो आउटर एज उठा हुआ है, इनर एज नीचे है, इन इसकी विड्थ ये हो गई, हाइट यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना, जैसे ही टर्न लेगा तो यहाँ पे सेंटर, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम मैं एफ बी डी बनाता हूँ, एम जी नीचे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा तो अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से ये भी एलिवेशन क्या होगा थीटा, तो इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा एम बी ए स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम बी ए स्क्वायर बाई आर अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन बाहर की तरफ नहीं लगेगा, जैसे टर्निंग यहां पर हुआ, टर्न हुआ तो सेंटर सर्कुलर बात का तो ग्राउंड पे ही होगा, जैसे देखो ऐसा ऐसा रास्ता है, ऐसा ऐसे मैं जा रहा ऐसे टर्न लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न ले रहा हूं ना मैं, सर्कल ऐसे थोड़ी ना है, हाँ एक समझना, सर्कल ऐसा थोड़ी ना है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, अरे रास्ता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हाईवे का रास्ता है, सीधा 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 सीधा, और जैसे यहां पे टर्न होगा तो आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा देगा, तो जहां टर्निंग ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न ले रहा हूं, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न ले रहा हूं, यहां पे कार ऐसे जा रही है, ये देख ऐसे जा रही है कार, और ये रास्ता ऐसा है सीधा है, टर्निंग इधर है, तो टर्निंग का सेंटर यहां पे होगा, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल आएगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, बाहर की तरफ अगर सेंट्रीफ्यूगल है यहां से बाहर की तरफ, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट ही आएगा। मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स क्यों दिख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं, इसलिए देख रहा हूं क्योंकि एम बी ए स्क्वायर बी आर तो इस तरफ लग रहा है साहब, इसका कोई भी काम, मोस्ट स्कीडिंग की टेंडेंसी बाहर की तरफ नहीं है, स्कीड अगर करेगा तो इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे करेगा ना, इसलिए मैं ऊपर की तरफ फोर्स देख रहा हूं। चलो ठीक है, अब एम जी इधर है तो इस तरफ फोर्स आ जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, अच्छा एम बी ए स्क्वायर के आर का कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम बी ए स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर,
अरे भाई एक्स एक्सिस में बाहर की तरफ है, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ये आया तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। अब बात है सर, एक फोर्स तो आपने लगा ही नहीं, कौन सा? फ्रिक्शन। अब मैं फ्रिक्शन किधर लगाऊं? आपको पता है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है किधर? अगर ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर हो गया तो नेट फोर्स सरफेस के पैरेलल क्या हो जाएगा कार पे? जीरो। अरे भाई एमबी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा की वैल्यू एमजी साइन थीटा के बराबर हो गया तो कोई स्किडिंग की टेंडेंसी है ही नहीं, बैलेंस हो गया ना फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो गया तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डोमिनेटिंग हो जाए, इस वाले फोर्स से ये ज्यादा हो जाए, मैं वेलोसिटी और बढ़ा देता हूं, तो ये जैसे ही डोमिनेटिंग होगा कार के स्किडिंग की टेंडेंसी ऊपर बढ़ जाएगी, इस पे फोर्स ऊपर बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा और इसको ऊपर स्किड करने से रोकेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना मैं कार का ले जा सकता हूं? तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो एमबी स्क्वायर बी आर कॉस थीटा बराबर एमजी साइन थीटा होता अगर सरफेस स्मूथ होता तो। लेकिन यहां पे सरफेस कैसा है? रफ है। अगर सरफेस रफ है तो ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ फोर्स है एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अब इसमें से कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, किसको मैं चेंज कर सकता हूँ? सुनो, मास कार का चेंज नहीं हो सकता, जी चेंज नहीं हो सकता, साइन थीटा थीटा चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रास्ते को जितना बैंक्ड बनाना था, जितना बैंक्ड करना था, जितना एलिवेशन देना था उतना तो दे चुका मैं। फिर मैं अगर स्पीड को बढ़ाता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ तो इधर से फ्रिक्शन बढ़ेगा क्योंकि बाकी टर्म तो कॉन्स्टेंट है। मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ स्पीड को, मैक्सिमम जितना स्पीड से ले जा सकता उस तरह से फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू इनटू एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर कॉस थीटा। फ्रिक्शन अपने आप को इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता है। अगर मैं इससे ज़्यादा फ्रिक्शन देने की कोशिश करूँगा तो बाहर स्किड कर जाऊँगा, है ना। फ्रिक्शन इससे ज़्यादा कैसे देने की कोशिश करूँगा? स्पीड बढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊँगा, फ्रिक्शन अपने आप को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता तो बाहर स्किड कर जाऊँगा, बाहर गिर जाऊँगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देखिए, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये आ रही नॉर्मल की वैल्यू। क्या नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे रख देना चाहिए? बिल्कुल रखिए। तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू बोलो एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा क्लियर है प्लस म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी, इधर भी होगा वी एम, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या चाहिए? वी चाहिए, तो वी वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊँ और म्यू एम जी कॉस थीटा वाला टर्म एक तरफ रखता हूँ। तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ बेटा, इस वाले टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, तो उधर बचेगा क्या? एम जी को अगर कॉमन निकाल लूँ मैं, क्या करूँ, एम जी को कॉमन निकाल लूँ वहाँ पे, तो बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छे से देख लीजिए, ये टर्म बच रहा है बेटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एम जी बाहर आ गया और ये टर्म इधर आ जाएगा तो इधर से कॉमन निकलेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, ये होगा तेरा कॉस थीटा माइनस एम बी म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा एम बी स्क्वायर बी आर कॉमन निकल जाएगा तो म्यू साइन थीटा बचेगा, म्यू साइन थीटा ये टर्म आया बेटा। ओहो, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, वी अपने को चाहिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू जी, ऊपर टर्म बचा है म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऊपर और नीचे दोनों में ही कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा से डिवाइड करोगे ऊपर तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा वन और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू रूट एन स्क्वायर, उधर ले जाता हूँ आर जी, क्लियर है। और यहाँ पे टर्म आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन है बेटा, सॉल्व तो करना पड़ेगा, म्यू प्लस टेन थीटा,
अरे रामलाल, डिवाइड करा है ना कॉस थीटा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, हो जाएगा 1 - μ sin / cos tan θ। ये वैल्यू आया, ये तुम्हारा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है ऑन अ रफ बैंक्ड रोड। रफ बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आया है वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 - μ tan θ। क्लियर है? अब मैं तुम्हें यहां पे जादू दिखाता हूं, अच्छे समझना बेटा, समझ सकते हो। तो अगर मैं थीटा जीरो रख दूं, सर बैंक किया ही क्यों था? अरे भाई फिजिक्स है ना, थीटा 45, 30, 60 तो नहीं है, थीटा थीटा है। अगर मैं थीटा जीरो रख दूं तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैंक स्मूथ लेवल रोड हो जाएगा, सॉरी बैंक रोड लेवल्ड हो जाएगा, लेवल रफ रोड, जो इससे पहले वाला केस यहां पे देखा था, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो लेवल रोड पे बैंकिंग तो है नहीं, तो कौन बचाएगा? फ्रिक्शन बचाएगा। तो वहां पे वैल्यू क्या आया था याद करो, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड वी इज इक्वल टू म्यू आर जी, सर ये आया था सेफ वेलोसिटी। अच्छा तो यहां पे थीटा जीरो करूंगा तो बैंकिंग खत्म, तो फ्रिक्शन ही बचाएगा, तो यहां पे थीटा जीरो रखने से म्यू आर जी आना चाहिए। जैसे थीटा जीरो रखोगे टेन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो जीरो, म्यू प्लस जीरो म्यू और 1 - 0 1, तो म्यू बाई 1, तो म्यू आर जी बाई 1, मतलब म्यू आर जी, दैट्स इट, म्यू आर जी। समझ आया कि नहीं आया? तो इससे पहले वाला बोर्ड पे जो मैंने यहां पे और यहां पे दो सवाल किया था, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, बैंक स्मूथ रोड, वही दोनों केस मिलके तो ये सवाल बना है। अगर वो दोनों आंसर आपको याद है, मान लीजिए म्यू की वैल्यू मैं जीरो रख देता हूं, तो क्या यहां पे केस बनेगा मोशन ऑफ अ कार ऑन स्मूथ बैंक रोड? बैंक तो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, बट म्यू जीरो है, तो क्या आया था याद करो, वी इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। अच्छा यहां पे म्यू को जीरो रखते हैं, जीरो तो ऊपर बनेगा टेन थीटा, ये जीरो रखने से जीरो ही हो जाएगा, तो देखो आ रहा है आर जी टेन थीटा, मतलब वही बात है। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना क्या बहुत आसान है? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें याद है आर जी टेन थीटा और म्यू आर जी। एक बार फ्रिक्शन बताया बचाएगा, तो देखो आर जी तो कॉमन टर्म हो गया, फ्रिक्शन अगर आपको स्किड करने से बचा रहा है तो म्यू आर जी, और इंक्लिनेशन बचा रहा है, बेंडिंग बचा रहा है, बैंकिंग बचा रहा है, तो आर जी टेन थीटा। और मान लो कि फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ रोड है और बैंकिंग भी नहीं है, तो चलना कैसे चलोगे भाई, टर्न लोगे गिरना तय है, क्योंकि ना तो फ्रिक्शन है ना तो बैंकिंग है। तो म्यू को जीरो रखोगे और थीटा को भी जीरो रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, वी इज इक्वल टू म्यू आर जी टेन थीटा एंड वी इज इक्वल टू जीरो। बताओ समझ आया कि नहीं आया? फिजिकली भी विजुअलाइज हुआ। अच्छा ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो गई सर, मिनिमम वेलोसिटी भी कोई चीज़ होता है क्या? मिनिमम मिनिमम कितने से जाना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे अगर एम बी स्क्वायर बी आर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो गई एम जी साइन थीटा से, तो एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग होगा, नीचे स्किड कराना चाहेगा तो तुरंत से फ्रिक्शन ऊपर चला जाएगा, और फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं इसको नीचे गिरने से रोकूंगा, फ्रिक्शन इसको नीचे गिरने से रोकेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी वहां पे स्पीड कम हो रहा है, तो कितना कम मिनिमम से मिनिमम रख सकते हो? पर्टिकुलर कुछ तो रखना पड़ेगा, कितना मिनिमम रख सकते हो? तो मिनिमम देखो फील करो, यहाँ पे ऊपर प्लस होने से टर्म बढ़ेगा, डिनोमिनेटर माइनस होने से टर्म और बढ़ेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी में कुछ नहीं है, डायमेंशन वाइज तो वेलोसिटी आएगा, तो आर जी आएगा, और यहाँ पे कम करना है तो ऊपर में माइनस कर दो, म्यू माइनस टेन थीटा बटा 1 + μ tan θ, ये लो साहब, जबरदस्त ये आंसर आ गया। क्या गजब बताया यार, क्या गजब बना है, फील करो तुम थोड़ा सा। डिनोमिनेटर प्लस कर दिया तो वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर प्लस करने से बढ़ेगा तो वैल्यू कम, ऊपर माइनस करने से घटेगा तो वैल्यू और कम, तो मिनिमम वेलोसिटी ये हो गई, मैक्सिमम ये हो गया साहब। बताइए आपको समझ आया कि नहीं है? बहुत ईजी है, बहुत आसान है, क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए। नेक्स्ट बेटा देखिए, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है साहब? कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम समझने से पहले सिंपल पेंडुलम क्या आपने कभी देखा है? ये होता है साहब सिंपल पेंडुलम, SHMB पढ़ोगे तो उसमें देखोगे ये होता है सिंपल पेंडुलम। ओहो हो, ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है बेटा? वर्टिकल प्लेन में, देखो ये वर्टिकल प्लेन में, ये सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है क्या आपको? सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2π रूट अंडर L/g। अगर तूने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है उसमें एरर एनालिसिस में ये बहुत बार आता है, ठीक है ना?
वर्टिकल प्लेन में घूमता है। सिंपल पेंडुलम कौन से प्लेन में होता है? वर्टिकल प्लेन। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम विच रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये साहब कोनिकल पेंडुलम। ये देखो ये साहब कोनिकल पेंडुलम है। कौन से प्लेन में घूम रहा है? देखना यार, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये इस स्ट्रिंग का लेंथ है मान लीजिए एल, है ना, और वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे घूम रहा है। अच्छा, एक खास बात, स्पीड जितना कम करूँगा वर्टिकल से एंगल उतना कम होगा, और स्पीड जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा, देखना, महसूस करना, स्पीड जितना बढ़ाता रहूँगा वर्टिकल से एंगल उतना ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे स्पीड कम करूँगा देखो वर्टिकल से एंगल कम होता जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूव कर दूंगा मैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये सिंपल पेंडुलम का ये वर्टिकल लेंथ लेते हैं अपन, और यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में भी स्ट्रिंग का लेंथ एल है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अपन लेते हैं। तो मान लीजिए ये अपन ने बनाया कोनिकल पेंडुलम, है ना, ये देखो यहाँ पे अटैच किया, वर्टिकल से साफ एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है। बताओ, देखा ये बात? ये यहाँ पे बॉब होगा एम मास का, इसको ही तो घुमाओगे बेटा। ठीक है सर, वर्टिकल सिंगल हो गया। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक फोर्स लगेगा नीचे mg, ठीक है, और स्ट्रिंग के लॉन्ग एक फोर्स लगेगा टेंशन t। वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। और इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर मैं l लेता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक कोनिकल पेंडुलम जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उस स्ट्रिंग का यहां से यहां तक का लेंथ है बाहर साहब एल। समझ रहे हैं आप? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साहब ये एल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? एल कॉस थीटा। यहां से यहां तक बोलना भाई, एल कॉस थीटा। और इस सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये इस सर्कुलर पाथ में, देखो इस सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा? बहुत आसान है, ये एल है, ये एल कॉस थीटा है, तो ये एल साइन थीटा होगा। तो ये जो रेडियस होगा ना बेटा, आर बराबर होगा एल कॉस थीटा, ओ साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? तो टाइम पीरियड अपन वर्टिकल लेंथ लेते हैं। वर्टिकल लेंथ यहाँ पे बोलो क्या है? एल कॉस थीटा। तो टी इज इक्वल टू 2π रूट अंडर एल कॉस थीटा। भाई जी ये प्रूफ करूंगा, चिंता मत कर, लेकिन तुम्हें याद रखना है। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि थीटा वर्टिकल से लिया है, तो अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा लेता तो एल का ये कंपोनेंट होता एल कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता एल साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाता एल साइन थीटा। ठीक है, मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो। अच्छा, ग्राउंड सेफ बीटी बनाओगे तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक्सटेंशन अलोंग टू द स्ट्रिंग और एम जी नीचे, बस दो ही फोर्स लगेगा। और ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस पे। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा होगा? क्या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? ना, सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और ये टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, ये स्ट्रिंग के लॉन्ग है। तो सर कहाँ से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा? तो टेंशन का एक कंपोनेंट टी का, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आर रेडियस के पाथ में वी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? टी साइन थीटा। क्या ये बात समझ आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल। अगर यहीं पे बैठ के एफबीडी बनाओगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, तुम्हें ये रेस्ट में दिखाई देगा, बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर, टी का कंपोनेंट दे रहा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बात तो ही रहेगी। अच्छा, टी का कंपोनेंट ऊपर बोलो, टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। तो यहां से लिखोगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर दोगे, कर दो, मास से मास देखो कैंसिल होगा, टी से टी कैंसिल होगा, क्या होगा इधर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन, ये होगा वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है ना, तो कभी कभी तुमसे थीटा बता देंगे, तो बोलेंगे कोनिकल इसका पेंडुलम का स्पीड बताओ, तो थीटा बताए आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी आ जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर? हाँ सर, दिख तो रहा है।
तो स्पीड जितना ज़्यादा रखोगे थीटा उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा आप सर टाइम पीरियड बताओ। और कई बार टेंशन की वैल्यू पूछ लेते हैं सर वो कैसे निकालेंगे, टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देख इस इक्वेशन से अगर टेंशन निकालने की कोशिश करोगे तो ये रहा ना टी, अगर तुम्हें थीटा पता है, एम पता है, जी पता है, तो डायरेक्टली टी इज इक्वल टू लिख लो एम जी बटा कॉस थीटा आंसर है। सर अगर ऐसे तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, हाँ तो निकाल लो, दोनों सही है, ये भी टेंशन की वैल्यू सही है, ये भी सही है, क्या खास बात है, दोनों सही है। ठीक है सर, अब यहाँ से वी की वैल्यू बोलो क्या होगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो वी स्क्वायर ही निकालो पहले, बोलो वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी टैन थीटा। अच्छा बेटा अगर मुझे वी पता है तो ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। ओहो तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट अंडर जी टैन थीटा बटा आर। बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं सर, तो टाइम पीरियड तो आ गया। कैसे सर? ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी। ओहो हो टू पाई बाई टी, तो टी उधर टू पाई को यहाँ रख दो। देखो ओमेगा को टू पाई बाई टी तो लिख ही सकते ना अपन, हाँ सर, तो टी को उधर ले जाओ बाकी टर्म को यहाँ ले जाओ, तो टाइम पीरियड बोलो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी को उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो आर बाई जी टेन थीटा, ये होगा टाइम पीरियड, बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जो आपने वादा किया था वो नहीं लाया, आपने बोला था सर कि टी इज इक्वल टू अगर टू पाई एल कॉस थीटा बाई जी आएगा आएगा, आर की वैल्यू यहाँ से बोलो क्या है एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो आर की वैल्यू को एल साइन थीटा रखेंगे, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर आर की वैल्यू को क्या रखोगे एल साइन थीटा बटा जी टैन थीटा को लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटा कॉस तो कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड क्या आया टी इज इक्वल टू टू पाई, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी, और यही टर्म कॉस थीटा इसलिए आया है क्योंकि वर्टिकल सिंगल लिया, हॉरिजॉन्टल सिंगल लेता तो टैन थीटा जाता, यही साहब पूछते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी, तो कोनिकल पेंडुलम का क्या होगा वर्टिकल लेंथ लेंगे, थीटा यहाँ से दिया हो यहाँ से दिया हो एल का वर्टिकल कंपोनेंट लेना अपने को, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बाकी अगर ड्राइव करने के लिए पूछ रहा है तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट इसमें क्या है सिर्फ ये दो इक्वेशन लिखना। आप ईमानदारी से बताओ अगर ये दो इक्वेशन लिख लेते हो आप ये दो इक्वेशन लिख लेते हो तो क्या सब कुछ इसी से रिलेटेड है क्या? हाँ, तो मैं टेंशन की वैल्यू एम जी के टर्म से निकालना है ये रहा, टेंशन की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय आर टर्म से निकालना है ये रहा, एम जी के टर्म्स में ये रहा, टैन थीटा और वी स्क्वायर के बीच में रिलेशन दोनों को डिवाइड कर दो ये रहा, टैन थीटा वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा ये रहा, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर तो वी स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, वी को आर ओमेगा लिख लिया ओमेगा आ गया, जैसे ही ओमेगा आ गया तो ओमेगा होता है टू पाई बी टी, टाइम पीरियड आ गया, कोई खास बात नहीं है, समझ में आया, ये कोनिकल पेंडुलम है साहब, स्क्रीन पॉज करिए और अच्छे से लिखिए।